બધું કામ બડા ગડબડ થઈ ગયો. એક કામ ઈ ગડબડ થઈ ગયા, રસોઈ ભારત રહી ઝાડુ વચ્ચે ફેંક દીધી કઈ જગ્યા ઝડવી છે, ફરવર મરવર ભરી ગયા. દુસર કા કામ રહા, ઉનકા દસ દિન આય ભર રહા, ખાના પીના નાય ખાય નહીં. ये बड़ी चिंता रहा है कौशल्या का, कैकेयी का, सुमित्रा जी का, दशरथ जी का, राम जी से कौन मतलब नहीं आएगा. बड़ी चिंता रहा है तो देखा, जब नई दुल्हन आवा था तो सास जोन बे ननद जोन बा ओके तारा था. यही तारा था कि इनके का सहूर है, का ढंग है, आ नई नई आई है. थोड़ा सा अपन अगल बगल से झांक के देखा थे इनका काम धाम कैसे चल रहा. जब देखत रहे वही देखे में देखिन कहे राम रे तो फेंक दिन झड़ुए जल गए. जब झड़ुए जल गए तो एक पूछा थे, अरे कहा है मोरी प्यारी दुल्हन. दुनिया में आनंद हुआ, लेकिन हम का पता तू जादू पर नहीं आएगी बैठी है. अरे अब सीता मैया ऐसे उनका भाई दोनों अंखा गोड़े के, दोनों गोड़े का अंखा निहारक बाटिन तिरे मुंगी हो गई है, एकदम सिकुड़ गई है. आज भी पुता होते झरझराई कुछ बोल जाते सासू का, लेकिन वो बेचारे वैसे उनका चरण दोनों निहारक यहाँ एकदम एकदम शरीर से एकदम. फिर दोबारा पूछा कि यहाँ कैसे आई दिल्ली आई, कैसे हो गया बतावा. उसी का कहा पूछा कि यहाँ बोला तब नहीं बोलती है. अरे सुमित्रो जी आ गया कि हाँ वो कहा कि हम बोल चुके बोल बढ़नी कैसे दे रही बताओ. बड़ी सबसे में तेरे मुंह के धीरे से मुंह न से कहा कि लेकिन निहाल बहुत गोड़वा ही है, यही हमने साथ कुछ कहा ही नहीं. Yeah.
देखा एन माँ हम भारत रहे एक नुकली जल गए लग गए मार फोन भाई लाग गए हमारे बड़ा तेज दर्द भवा हमारे मुँह से श्राप निकल गए माई हमसे गलती हो गई हमारे मुँह से श्राप निकल गया बढ़नी जल गए तब कौशल्या कहके सब तीनों रानी घबराई गई तेरे राम अरे आज बढ़नी कैसे कह दे जल गए अकल कहूँ कहीं देश भगवान बने हमरे बने अयोध्या बने तब कैसे हो घबराए गए कहाँ से आएगी पतो हम कमी कैसे अयोध्या चले सोचत यहाँ तो कहीं यही का कहा नहीं हम सास हो के तो से वरदान जो मांगत ही चीज हमका दे दे लेकिन गांव माई कहें ज्ञान के बाद तब कहो जीत जा जर गया जा जर गया ई चीज हमका दे के वरदान में दे दे हमका कहीं तो माई हो के मांगत या हम बहू हो के बिटिए हो के भला तोरे आगे उल्लंघन कैसे करब जा माई आज हम कहो अगर ये वरदान अगर सीता मैया न दे होती तो रावण को ही फसल के दे ले न जाए पाओ लेकिन याद आएगे कि हमने माता जी को ऐसे कहा है अब आ गई दूसरी बात दशरथ जी आए बेटी बहू 10 दिन हो गया कि भोजन नहीं कर रही हो अरे हमारे बूढ़े की तो बात ध्यान में रख के बताओ इतना दिन तुम्हें आए हुआ अयोध्या में न दाना कर रही हो न पानी बात क्या है सीता मैया उनका भी वही चरण निहारती हैं चरण निहारते निहारते ढुकुर ढुकुर आंसू चुआती हैं राजा दशरथ जी शर्म से हट जाते हैं चले जाते हैं तो भी मकमूला होकर चले जाते हैं कि हमारी बहू आई है 10 दिन हो गया न दाना किया न पानी है जो था में क्या बात तीनों रानियां आती हैं बताओ सीते क्या बात है सीता मैया बतावत थी में सीता मैया कहा थी
सीता मैया कह रही हैं कि जब हम धनुषा टूटने के बाद हमारे पिताजी जब पत्रा खोल के देख रहे हैं कि हमारी बेटी कैसे घर में जा रही है, वहां का कुल पेड़ खानदान कैसा है, तो देख रहे हैं हमारे पिताजी कि हमारे ससुर जी राजा दशरथ जी अपने भाई ने श्रवण कुमार की हत्या किए हैं, उनको पाप लगा है और उनके माता पिता अंधी अंधा का श्राप भी लगा है। अगर हमारी बेटी वहां भोजन करेगी तो वो भी उसी पाप में पाप भागीदार बन जाएगी, इसलिए माँ मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। मतलब भैया सीख ले, बुढ़ाई दाम सब चीज मिले सब चला गए। पाप कैसे जाए, राजा दशरथ बड़े चिंता हो गए, पूरे नगर में शोर हो गया कि सीता मैया ने राजा दशरथ कह दिया कि पापी है, ए श्रापी है, इसको श्राप लगा है, ये घर रहने लायक नहीं है, अगर इसमें मैं भोजन कर लूंगी तो हमें भी पाप लग जाएगा। पूरे नगर में हल्ला हो जाती है, राजा और चिंतित हो जाते हैं। अब एक चिंता रही पतो खाना नहीं खाएगा, अब दूसरी चिंता है कि श्राप पाप दोनों लग गए। राजा दशरथ कहते हैं कि ठीक है, इस पाप को दूर करने के लिए हम बहुत पंडित 10,000 पंडित खिला देंगे, लाखों लाखों पंडित खिला देंगे, पाप दूर हो जाएगा। क्यों बेटी बोलो, पाप दूर हो जाएगा ना। फिर सीता मैया नीचे मुड़ी कर लेती हैं, कहती हैं पिताजी हम अपने पिताजी से पूछ कर ही बताऊंगी। जब वो अपने पिता की याद करती हैं, पिताजी उनको बताते हैं कि लाखों लाखों ब्राह्मण खिलाने से पाप दूर नहीं होगा। कहें फिर, कहें उस ब्राह्मण को खिलाने से पाप दूर होगा जो किसी के यहां दाना पानी किया ना हो। राजा दशरथ जी हेलना शुरू कर दिए, उनके नगर में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला। कहें दशरथ जी और जनक जी आप ही अपने नगर में ढूंढिए, वो भी ढूंढना शुरू किए, उनके भी नगर में नहीं कोई मिला। लिखते हैं चिट्ठी, दोनों राज्य में पंडित नहीं है ऐसा पंडित जो किसी किसके यहाँ भोजन न किया हो न किसी के यहाँ पानी पिया हो। राजा जनक देख रहे हैं, खोज रहे हैं, दिमाग दौड़ा रहे हैं, उनके समझ में आता है कि एक ही राजा एक ही पंडित है, वो है राजा रावण। कौन है रावण, जो कि आज तक किसी के यहाँ न पानी पिया है और न भोजन किया है।
आते हैं। ये नहीं राजा है, ये पंडित है, वो है रावण जो लंका में है, वही आएगा आपके यहाँ भोजन करेगा तो आपके यहाँ का पाप दूर। चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी कौन पाती है? मंदोदरी। राजा दशरथ की चिट्ठी मंदोदरी पाती है, तो मंदोदरी जो है देखा पत्नी धर्म पत्नी, पत्नी दो मेल को, एक पत्नी होती एक धर्म पत्नी होती। धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने घर का विकास करती हैं, वो धर्म पत्नी होती हैं। पत्नी वो होती हैं जैसे कि अपने पति का कहा सुना नहीं मान के अपने मन से अपना काम धाम करती हैं, जो मर्जी हो करती हैं, बाजार जाती हैं आती हैं, वो पत्नी है। और धर्म पत्नी जो है वो अपने पति की बात मान करके विकास करती है। तो धर्म पत्नी जब चिट्ठी पाती है मंदोदरी, तो जाके राजा जनक जी और राजा रावण के रावण से कहती है कि पतिदेव कह जाके आप एक दिन पंडिताई करिए, कह हम पंडिताई कर जाई, हम पंडित ना हो, कह न जा पंडिताई कर आओ, कह कहा हम करके पूछे, कह दिया चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी जब देखा थी राजा रावण, तो तुरंत ही अपन मुकुट उतार के भेज दिए थे। राजा वाली कहानी खत्म, अपन भेद बनाए पंडित का और खुशी कुमार अपने पतन धर्म पत्नी की बात मान के चल देते। जब राजा दशरथ देखा थी कि राजा रावण आए हैं, आ रहे हैं, आदेश लेके जाता है, तो लोटा में पानी लेके जाके रावण का पांव पोंछते, पांव पखारना शुरू किए तो रामचंद्र की खिड़की से देख रहे हैं। जब रामचंद्र की खिड़की से देख रहे हैं कि राजा रावण का पांव जो है हमारे पिताजी धो रहे हैं, तो उसी दिन भगवान राम ने भी संकल्प कर लिया कि ठीक है अब नहीं, हम उसमें पढ़ाई थी लड़के के ज्ञान दी थी बेटवा माता पिता पांव छू के आया, हम सब चला गए दुआरे, मातारी बाप कहा था तुम्हारे बुजुर्ग जो आए हैं जाए बेटवा पांच हुआ, बेटवा शर्माएगा, लेकिन अगर पिता उसका उठ के अपने गुरु को पांव धो देता है, पांव छू लेता है, तो लड़का पांव ही नहीं छुड़ेगा, दंडवत कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से राम ने भी संकल्प ले लिया, ठीक है राजा रावण एक दिन मैं तुम्हारा पांव पखारूंगा, मैं भी पहुंचूंगा। वेद की बात है, पुराण की बात है, सीता मैया ने भोजन बनाया, रावण गए भोजन किए, रावण कह रहे हैं कि मां मुझे दक्षिणा चाहिए, मुझे दक्षिणा दीजिए मैं चलता हूं, कह मांग दीजिए मुझे दक्षिणा मांगना हो। राजा दशरथ खुश हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हम दूसरे दक्षिणा नहीं लेंगे, जो हमें बना के खिला रहा है मैं उसी दक्षिणा दूंगा, उसी को आशीर्वाद दूंगा, तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा।
सीता मैया से कहता है मुझे बोलो दक्षिणा दोगी, हाँ दक्षिणा दोगी, हाँ दक्षिणा दोगी, हाँ। जब तिलका रावण बना लेता है तो कहता है मुझे मुक्ति चाहिए मुक्ति। सीता जी घबरा जाती है, निगाह जाती है राम के ऊपर, कहें पतिदेव बगैर आपके इसकी मुक्ति कैसे होगी, हमसे मुक्ति मांग रहे हैं, कहें दे दो मुक्ति। रामचंद्र इशारा कर रहे हैं कि मुक्ति दे दो, हम भी संकल्प कर लिए हैं इनका पांव पखारूंगा। राम रावण का बस अब खत्म रेडी। जब रामेश्वर में शंकर जी की स्थापना करते हैं तो वहां राजा रावण को बुला के उसका पांव पखारते हैं, संकल्प लिए थे ना, राजा रावण को बुला के उसका पांव पखारे और सीता माँ वहीं से भोजन करना शुरू कर दिया उसी दिन से अयोध्या में। अमुक्ति सीता पहले गई नी, तब उसके बाद राम गए और रावण को मुक्त किए, मुक्त किए। आजो आजो रतनिया वीर हो बड़ी वीर हो कौना बिरिया जय जय रे।